कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने घरों पे सेफ होंगे और मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो देखने वाली हूँ वो कोई ओएसटी नहीं है, वो एक पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो है। जनरली पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो इतना देखा नहीं गया मेरे से, मैंने देखा ही नहीं है। यूट्यूब पे कभी ट्रेंडिंग पे आया नहीं है, बहुत ज्यादा कम। तो बिना यूट्यूब के सोर्स के अलावा पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो कहीं और से देखना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि सुना है मैंने कि ये म्यूजिक जो वीडियो है वो काफी पॉपुलर है। तो चलिए दोस्तों, हम और आप थोड़ा शायराना मूड बना के इस म्यूजिक वीडियो शायर को देखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि म्यूजिक वीडियो कैसी बनी है, और फिर आगे की बात बाद में करते हैं। तो दोस्तों, म्यूजिक वीडियो शुरू करें, करते हैं। टू रिकॉर्ड्स। भाई मुझे वो किताब देना जिस पर शायर लिखा है। ये किताब तो बिक चुका है, वो सब किसी भी वक्त आता होगा। कितनी मुझे तो एक्ट्रेस है ना। ओ माय गॉड, ये तो चेप क्यों बन रहा है? ऐसे कोई बोलेगा तो सीरियसली थप्पड़। अच्छा अच्छा अच्छा, शूटिंग चल रही है। और डैमेज, फिर भूल गया। और मेरी लाइन की सी यार। स्क्रिप्ट की तरह यार। यार ये डायलॉग बहुत भूलता है, बस पैकअप करवा दो। जी सर। एक्टिंग तो तुम भी बड़ी अच्छी कर लेते हो, मैंने तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखी है, कभी हिस्से भी करके देखो। थैंक यू सो मच सर। ट्राई करो कभी। सर कभी मुझे भी मौका देना। हाँ हाँ जरूर जरूर, तुम बस पैकअप करवा दो। पैकअप। सुन सजना वे दिल दी आवाज़ा, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ा। मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, तेरा ती गिणदा रहंदा तारे। असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। असी तारे गिनण देनी हुण माहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। So what?
बावले तू चिट्टा चिट्टाए असि फिक्के फिक्के दे तू मिठा मिठाए असि थोड़े सावले तू चिट्टा चिट्टाए उसने तेराए वांग बहाया दोस्तों, तो हम और आप दोनों मिलके इस वीडियो को पूरा देखे और आई गेस आप सब ने भी इस गाने को एंजॉय किया होगा मेरे साथ जितना मैंने एंजॉय किया। तो इस वीडियो को देख के मुझे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये पाकिस्तानी है कि इंडियन है, कोई फर्क नहीं लगा मुझे। और अगर गाने की बात की जाए तो गाना गाया है शायद सरमाद कादिर का। तो सीरियसली ये जो बंदे हैं जिन्होंने गाया है गाना, बहुत ज़्यादा इनकी आवाज़ मीठी है। यू नो, लड़कों में कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत इनकी आवाज़ सही में बहुत ज़्यादा मीठी है, मेलेडियस है। यू नो, कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनका पर्टिकुलरली बहुत ही स्वीट सा वॉइस होता है, एकदम सूदिंग सा, जो सीधे सोल को टच करती हो। बहुत रेयर सिंगर्स होते हैं ऐसे जिनकी आवाज़ इतनी मेलेडियस होती है। अच्छे सिंगर जरूर होते हैं, एक मेलेडियस होता है ना, स्वीट सा सीधा सोल को टच करने वाला, तो वैसा ही कुछ म्यूजिक था। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा मतलब कलेजे में ठंडक लगना, यार अच्छा लग रहा है, बस चलते जाए म्यूजिक स्लो मोशन पे। ऐसे म्यूजिक्स होते हैं जो रात को आप लेटे रहो आराम से सुनो, या फिर बारिश के मौसम विंडो के साइड आप बैठे हुए हो और ऐसे गाने सुन रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा है यू नो पीसफुल मोमेंट्स के लिए जैसे सॉन्ग्स होते हैं वैसे ही टाइप की सॉन्ग थी और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अगर एक्टर्स की बात करें तो म्यूजिक वीडियो पे जो लीड थी हीरोइन वो तो बहुत ज्यादा प्रिटी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। जो भी वो ड्रेस पहन रही थी इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। और एक्सप्रेशंस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी तो कुछ था नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन की बात करें तो यू नो पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। एक स्वीट सिंपल सी स्टोरी थी, एंडिंग सबको पता है क्या होने वाली है, स्टोरी का भी सबको पता है, लेकिन एक स्वीट और सिंपल सी स्टोरी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक रोमांटिक सा स्लो मोशन वाला सूदिंग सॉन्ग बहुत अच्छा था। तो That's it for today, guys. मिलते हैं किसी और वीडियो पे, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सेफ रहिए और दूसरों को भी थोड़ा खुश करके रखिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।